Merry Christmas and welcome to Kohinoor the True Basmati presents Comedy Circus ka Naya Daur, Tabla Tor, the Grand Finale. अब कॉमेडी के सबसे बड़े खिताब की जंग को आगे बढ़ाते हैं प्लीज वेलकम क्वैक 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 सोनू तुम फिर से यहाँ आ गए मैं हूँ अन्ना 24 घंटे चौकन्ना हैं मैं फाइनल में ना हूँ ये हो नहीं सकता और तुम फिनाले अकेले कर जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा हैं वाह वाह क्या सुनील शेट्टी किया है वाह थैंक यू हैं जोरदार तालियां हो जाए सोनू के लिए अच्छा तो चलिए शुरू कीजिए आज की फिनाले की जंग और बुलाते हैं हमारे पहले फाइनलिस्ट को मैदाने जंग में साडा हक एते रख एक मिनट सोनू ये नारा ना जाके प्रोड्यूसर के आगे लगाना पैकअप के बाद अरे एक मिनट रोशनी ये नारा मेरा नहीं है हाँ। ये नारा उन बैंड वालों का है अरे वो मेहनत तो सब लोग करते हैं लेकिन पॉपुलैरिटी इस दबड़ 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 को मिलती है तो कॉमेडी सर्कस के बैंड का सुर लेकर बाकी सबका ताल बिगाड़ने आ रहे हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर फाइनलिस्ट कृष्णा एंड सुदेश प्लीज वेलकम देम हेलो एवरीबॉडी माय सेल्फ ड्रेस मैन कॉमेडी सर्कस अच्छा ड्रेस हाय सम मेजरमेंट्स मैडम दो मिनट ट्वेंटी वन एटीन एटीन नो बाकी तो सबको पता है साले लंबाई की बात कर रहा हूँ क्या तालियां बजा रहे हो हाय सोनू साहब आपके लिए तो सब कुछ छोटा पड़ेगा कहाँ से लाऊं खैर एक बार सोनू भाई के लिए जोरदार तालियां इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया इन्होंने दबंग बुड्ढा होगा तेरा बाप नहीं बहुत हंस क्या रहा है साले तारीफ कर रहा हूं मैं इतना इतना बढ़िया काम किया सर आपने इतनी बड़ी फिल्मों में अब कॉमेडी सर्कस में कैसे इतना बड़ा चांस कैसे मिल गया आपको बॉडी बहुत अच्छा बनाया साहब क्लीवेज इज बेटर देन शेखर सुमन डर्टी पिक्चर में आपको लेना चाहिए था खैर कोई बात नहीं बैठिए हाय सोहेल भाई क्या हाल है सर क्या वादा किया था आपने आज से 40 एपिसोड पहले कि जो इस शो को जीतेगा वो मेरी पिक्चर में काम करेगा तो दोस्तों आ गया है वो आज का दिन तो बताइए सोहेल भाई कब मिल रही है आपको पिक्चर अगर नहीं भी मिल रही तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं क्योंकि आप तो जानते हैं जयपुर बोल बच्चन अर्चना जी और अच्छा काम सोहेल भाई जेन्युइनली वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू वी लव यू एंड वी विल जेन्युइनली मिस यू जोरदार तालियां सोहेल भाई के लिए लेकिन सोहेल भाई हमसे इतना प्यार नहीं किया इन्होंने सबसे ज्यादा सूरी के पीछे पड़े रही है सूरी एलिमिनेट हुआ अर्चना जी इतना बुरा लगा ना इनको वैनिटी में रोते रहते हमेशा मैं क्या क्या हो गया सोहेल भाई बोलते व्हाट द हेल यार उसको काय को निकाला यार व्हाट द हेल यार मेरे को सूरी की बहुत याद आ रही है एक काम करो उसकी याद में उसकी एक फुल पैंट मुझे दे दो मैं उसकी याद में पहनना चाहता हूँ तो यह हाफ पैंट में जो स्टैंडिंग ओवेशन देते ना वो सूरी की पैंटें होती है बता दूं मैं आप लोगों को खैर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है साला कोई तो है हमारे यूनिट में जो तीन तीन कच्छे एक साथ पहनता गायब रहती इस पे डाउट करो अर्चना जी I'll hit you. आपको किस पे डाउट है बताओ ना आपको आप पूछ रहे हो चलो आज आधे घंटे का एक्ट नहीं करना है खैर एक दो तीन चार पांच साले छह आदमी थे एक किधर गया तुम लोग में से हाँ साले डायलॉग बोल रहा है गाना बजा वो आ रहा है ओ भाई साहब इधर किधर बैठ रहे हो सबसे पहले बताइए भाई साहब आप हैं कौन मेरे साथ तमीज से बात नहीं करनी मैं बैंड वाला हूँ हेलो मैं कोई छोटा मोटा बैंड बूंद वाला बंदा नहीं हूँ हाँ वो तो दिख रहा है हेलो हाँ
कर्ज फिल्म देखी है आपने, पुरानी कर्ज? हाँ कर्ज फिल्म देखी है। टंग डंग 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 हाँ ऐसा मैं सेम बजा लेता हूँ। और जो नई आई ना नई फिल्म कर्ज हिमेश वाली, हाँ उसमें तो मैंने बजाया है। अच्छा इसलिए बच गई वो फिल्म। बहुत बढ़िया। आज फिनाले सबके एक चालू होने वाले ले। सॉरी सॉरी बहन के तैयार हो जा साला। बैंड वाले छोटे लोग साले। ठीक है ना बाजी, बेइज्जती कर दी मैंने इसकी। पता बात क्या है, हम आपस में चलो ठीक है प्यार अपना, कोई अगर आपकी बेइज्जती कर देना अंदर से चाहे हम कितने भी खुश हो बाहर से बड़ा दुख लगता है हमको। खैर मैं अपना नाम बता दूं, मैं कीबोर्ड प्ले करता हूं, मेरा नाम है रोंदू। नहीं हमारे नाम ऐसे होते हैं रोंदू बिट्टू किट्टू छिट्टू ये सब ऐसे। ये अनु मलिक पता नहीं कैसे हिट हो गया यार। लेकिन कुछ भी हो सर, हाजी सोनू साहब है ना। क्या हुआ पाजी? कोमा में चले गए। पागला तू, इधर तो बैठे हो, कोमा में कहाँ चले गए हो? अरे मैंने मेकअप मैन को मना किया था कि इन्हें मिरर मत दिखाओ, इन्होंने देखा और कोमा में चले। यार तू पागला है, तेरा एक्ट शुरू होने वाला है। हाँ। इधर इधर। हाँ। मैंने सुना है कि आज फाइनल है। हाँ। और पहला एक्ट ठाकुर का हो रहा है। ठाकुर का होने वाला? हाँ, ठाकुर का हो रहा ना। हाँ। तो ठीक है फिर मैं टॉयलेट होके आता हूँ दो नंबर करके। अरे रुक जा रुक जा। हाँ? तेरे को करने की जरूरत नहीं, वो आएगा ना स्टेज पे वो वैसे ही खुद कर देता है। हम चाहे कितनी भी वैसी करे कोई करे तो मैं बर्दाश्त नहीं। अब जानते नहीं ठाकुर की मेरी वाइफ कितनी बड़ी फैन है। जब सोहेल साहब उसको आपने एलिमिनेट किया ना, मेरी वाइफ बहुत रोई, कहती जब ठाकुर का एक्ट आता था कम से कम उस वक्त मैं रसोई में सब्जी बनाने तो चली जाती थी, अब ये पूरा शो देखना पड़ेगा। अबे सब घर की बातें छोड़, लड़की देख ना वो। वो लड़की जो बैठी ना, कौन सी वो वाली? अब मैं ऐसे नहीं ना बता सकता, कैमरे भी लगे हुए ना, कल को केस कर देंगे। ऐसे समझ लो वो। अच्छा वो वाली? हाँ जी। जो कान में उंगली दे रही है ऐसे से? और पागल है जो कान में, वो जो नाक में दे रही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसी से शादी करूंगा। इससे शादी करेगा तू? इससे करूंगा। क्यों? क्योंकि सुंदर लड़की से शादी कर लो बाद में भाग जाती है। नहीं नहीं सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी प्यार करता हूँ ना वो वाली सुंदर लड़की से। हाँ? है। और इसी से शादी करूंगा मैं। ये प्यार की बात होती है? अबे प्यार नहीं मजबूरी है बे, नहीं तो इस बार तो सीधा केस कर डालेगी। फिर 7 साल जेल कौन जाएगा यार? उस काम के लिए मतलब 7 साल जाना पड़ता है जेल में? हाँ 7 साल की जेल होती है। ये तुम्हें कैसे पता? नहीं क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरे डैडी जेल में थे। एक्ट शुरू होने वाला है तो फिर हम कुछ कर लें। कृष्णा सुदेश तो नहीं आने वाले? कहीं आने वाले, उससे पहले हम इनकी तारीफ कर दें क्योंकि फिर ये उनकी तारीफ कर देंगे। ठीक है मैं कुछ पाजी की पहले इजाजत लो, जिनकी वजह से ये शो चल रहा है हमारे सुरेंद्र पाजी, पहले उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। बजाओ भाई। हमारे तो गांडा साहब ही सब कुछ जोरदार तालियां बजाओ, खत्म करो घर में जाओ। थैंक यू थैंक यू। सुरेश सर जो आपने गाना गाया वो एक्चुअली मेरी दिल की बात है। ये नया दौर का सीजन था, पता नहीं अगर मुझे एज अ जज रिपीट किया जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये आप लोगों से वादा है कि अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं हर सैटरडे संडे आपका ये शो देखूँगा। और मैंने ये पहले भी कहा है कि अब मुझे जज बनने का कोई हक नहीं है। एवरीबडी हियर इज much more talented than I can ever be. And Sudesh sir, आप जब
कुछ भी करते हो अपने दिल से करते हो, और मैं कुछ और कह नहीं सकता बिकॉज यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स आई हैव सीन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. और मेरे भाई कृष्णा, एक अच्छा एक्टर होता है एक और एक डेंजरस एक्टर होता है. आप वो डेंजरस एक्टर की कैटेगरी में आते हो. मतलब आप अभी इतने डेंजरस हो गए हो क्या, जहाँ आप मुड़ते हो वहाँ वो आदमी कांपने लगता है. क्या ये क्या बोलने वाला है. जब सोनू भाई के पास गए थे, सोनू भाई जितनी बड़े वो अंदर से डर रहे थे, ये बंदा भी बोलेगा क्या, करेगा क्या. डेंजरस एक्टर फॉर मी इज मच मोर टैलेंटेड देन अ गुड एक्टर एंड यू आर डेंजरस एक्टर. अर्चना, ये कॉमेडी सर्कस का 15वां फाइनल है और इसमें फाइनल में हम कितनी बार इनको देख चुके हैं, आज की फिनाले की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगी? जहां कॉमेडी सर्कस जैसे रियलिटी शो ने इतिहास बनाया है हमारे देश के टेलीविजन में, वहां आपने कॉमेडी सर्कस में अपना इतिहास बनाया है. और इनफैक्ट अर्चना, जब कृष्णा और सुदेश परफॉर्म कर रहे थे, जो आपकी जो हंसी नहीं रुक रही थी और सोहेल भाई जो रिएक्ट कर रहे थे, उससे मुझे पता है कि किस तरह के स्कोर्स देने वाले हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक हम स्कोर्स लिखेंगे और उस जादू के कलश में डाल देंगे. एंड लेट्स होप कि कुछ कमाल के नंबर्स मिले. जहाँ इतना कमाल ये दोनों करते आ रहे हैं, आई थिंक कोई शक नहीं होना चाहिए किस तरह के स्कोर्स हैं. फिर भी ये सीक्रेट बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स नहीं है, गोल है. और इनके जाने से पहले एक बार हमारे बैंड के लिए और फौजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. कभी कभी ट्रॉफी जीतने के लिए जजेस को भी पटाना पड़ता है. और जजेस को पटा कर जीतने वाले कोई कपिल कहते हैं. एक मिनट सोनू, आप पहले तो ऊंट से उतर आओ. नहीं, मैं ऐसे चार्ज होता हूँ. ये चार्जिंग बंद करो और ये बताओ कि क्या कहना चाहते हो. कपिल इनको पटाकर आज जीतने वाला है. अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो जिन कह रहा है. हाँ, मेरी बात का यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो. ओ जिन, जी हाँ. प्लीज वेलकम आवर रिमार्केबल फाइनलिस्ट मंत्रा एज जिन एंड विशाखा एज हरसेल्फ. आज कॉमेडी सर्कस का ग्रैंड फिनाले है. आज सब कुछ ग्रैंड होगा. अर्चना का मेकअप ग्रैंड, सोहेल के कमेंट्स ग्रैंड, सिद्धार्थ के फंबल ग्रैंड और रोशनी के होठ ग्रैंड. ओ सॉरी, वो आखिरी वाला तो पहले से ही है. हटा पोस्टर और निकला हीरो. जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और आग लग गई रे, आग लग गई, बचा रे, अबे आग लग गई, एक सेकंड. जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो मेरी जली उसको क्या कहते हैं, पागल. हेलो बाय द वे, मैं जिन्नू. एक तो ये बॉलीवुड वाले लोग कैसे कैसे गाने बनाते हैं. हम जिन लोगों की भी तो कोई इज्जत होती है ना यार. हैं, तुमने सुना दिल से का गाना, जिनके सर हो इश्क की छाव. अरे इसकी ऐसी कहती थी यहाँ 1 BHK मिल नहीं रहा. जिनके सर हो इश्क की छाव, और वो कौन बोल के कौन गए, यानी जिनके घर शीशों के होते हैं. तुम्हें क्या मालूम, तुम जिनके चाचा हो. तुमने तो बोल दिया जिनके घर शीशे में होते. मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आती, बोले तुम्हारा घर शीशे का है, सब देख लेंगे, तब क्या होगा. परेशान करके रख दिया है मेरे को. और ये सब आपके कारण हो रहे हैं, सब आपके कारण. नया लाओ, कुछ नया करो, कुछ ये कर. नया चाहिए ना, मैं आपको एकदम लेटेस्ट नया देता हूँ. म्यूजिक बजा रहे जोर से. धोखा धड़ी जी, क्या ये. अरे वाय दिस, धोखा धड़ी जी. नो पेमेंट ऑन टाइम, नथिंग ऑन टाइम. वाय दिस, धोखा धड़ी हाँ जी. ओ 12 बजे में शूटिंग लगती, मॉर्निंग से आई एम रेडी. सोहेल स्लीपिंग ऑन द टेबल.
कॉल घर पे जागे डैडी अरे वाह देश धोखा धड़ी जी एक प्रोड्यूसर के लिए वाह देश झोला झारी करे विपुल डी कॉमेडी के नाम पर फूट गया इनका भांडा और एंड में साला वाट लगाए निकुल का अंडा तेरे को अब मालूम पड़ रहा है क्या बोला फाइनलिस्ट हूँ मैं फाइनलिस्ट बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ चल मेरा आज का शेड्यूल बता शेड्यूल मेरी आका आज अरे आपको तो सुबह 6 बजे उठना था 12 बज गए अरे आपका मॉर्निंग वॉक था मैडम मॉर्निंग वॉक रह गया हो एक काम करो सूरज को फिर से उगाया जाए मैडम जिन्नू रजनीकांत नहीं हूँ मैं न्यूज चल टीवी लगा टीवी है नहीं तेरे घर पे तेरे को कुछ आता पता नहीं रुक जा यार तेरे को टीवी में ही अब क्या करें आज के जमाने के अंदर जब कुछ मिलता नहीं है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है टीवी के लिए सैटेलाइट आ रहा हूँ जा ये रशियन चैनल क्या आज के मुख्य समाचार कॉमेडी सर्कस बुलेटिन में आपका स्वागत है अभी अभी चकाला स्थित मोहन स्टूडियो से खबरें आ रही हैं कि अर्चना और कृष्णा के बीच के संबंध कैमरे में कैच हो चुके हैं ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कप चाय ना आने पर किस तरीके से अर्चना ने कृष्णा के साथ किया अत्याचार इसके अलावा अगली खबरों में कपिल शर्मा स्टार या रॉक स्टार के फिनाले में हार गए जिसके कारण वो काफी दुखी मालूम पड़ते हैं ये खबर जैसे ही अर्चना के कानों तक पहुंची उन्होंने बहुत शोक जताया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कॉमेडी सर्कस के फिनाले में वो जरूर जीतेंगे और इसके अलावा आखिरी में एक खबर और आई रही है कि कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने सोनू सूद को अपने पास बुलाया और उनको पैसे दिए और साथ में ये भी कहा ज्यादा खुश मत हो ये पैसे मैं सूद समेत वापस ले लूंगा आज क्या रही है तेरे को कॉमेडी सर्कस के फाइनल में जाना है हाँ जिन कुछ ऐसा कर ऐसा बता कि मैं फिनाले जीत जाऊं कॉमेडी कर कुछ तो होगा जरूर जिन ये सब काम मैं करूं तो तू किस बात का जिन मैडम जिन वोट का विस्की इनसे कॉमेडी नहीं आती आप समझा करो सब ट्राई करके बैठ चुके हैं इसका मतलब तूने हार मान ली हाँ जिन रुपी मंत्रा तूने हार मान ली मंत्रा तू हार कैसे सकता है मंत्रा नहीं तू हार नहीं सकता मंत्रा मेरे होते हुए तू हार नहीं सकता मेरे को पहले ही बोला था नंबर वाली बाई ने यह बहुत पचर पचर करती है इसको पहले ही सटका दो मेरे को मालूम था रही है छोटा मगज यहाँ पे गर्म हो गया ना तो एक्सप्लोड हो जाएगा अरे बीड़ी पीता मुंह से बदबू आती है देख ले यहाँ पे देख ले मैडम कमाल करती है ये 2.5 किलो का हाथ है अब 250 किलो की हाथी जरा सोच के देखा करो कमाल करती है एक बैच टिक टॉक कर रही है छोड़ दे छोड़ दे ये हमारी छुट्टियां है तुम्हारी मंदिर की घंटी नहीं कोई भी बजा दे समझे किसी ने कहा था कि उसके कपिल को कोई मंत्रा तंत्रा संतरा हरा नहीं सकता और अगर यही मंत्रा तंत्रा संतरा उसके कपिल को हरा दे तो उसका दिल टूट जाएगा और मैं इस खूबसूरत अर्चना का दिल तोड़ नहीं सकता इसलिए किसी ने सही कहा है हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं हाथ तो हम जरूर फाइनल जीत सकेंगे हाँ तो चल ले चालू करते हैं कुछ हाँ तो मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ ये कहाँ जाकर ही है ऐसा कर यहीं चेंज थोड़ा एक्सपोज कर एक्सपोज से काफी लोगों को मजा आता है थोड़ा डर्टी पिक्चर ओके डर्टी पिक्चर कर दे ये ले ये क्या एक्सपोज करना एक्सप्लोड नहीं करना जल्दी कर ये ले ठीक है चल अभी एक्ट शुरू करें अभी करना क्या है देख स्टैंड अप में अर्चना को मर्द बना देना okay. फिर सोहेल की तारीफ okay. और फिर मेरी एंट्री और फिर एक्ट पे रायता जजेस के कमेंट भी तो है कैसे मंत्रा आपने बहुत अच्छा किया वन मैन शो था ये विशाखा आपने भी अच्छा सपोर्ट किया कहीं कहीं से बीच बीच में आप सतीश कौशिक लग रही थी
मैं सतीश कौशिक आज तो बोल के जाऊंगी आखिरी दिन है यार। तेरी लाइन है, बोल तेरी लाइन आगे वाली। कौशिक आगे वाली तेरी लाइन, तेरी लाइन है यार मंत्रा। तो माइक काम नहीं कर रहा मंत्रा। अरे रुको, पागलपन मिसिंग है, पागलपन मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, पागलपन मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, सब मिसिंग है, सब मिसिंग है। सारे बेवड़े, जितना तू तेज बोलता है ना पागलपन ही सब लाइनें मिसिंग हो जाती है। बड़ा तेज बोलता है ना तू। तेरी तरह नहीं है, सिक्स हॉर्स पावर है। क्या क्या सिक्स सिक्स हॉर्स पावर है मेरे अंदर, समझी ना। चालू करूंगा ना तो रुकने का नाम नहीं लेता, सुनेगी? हाँ तो करना शुरू। अरे मंत्र फूक के घास के तिनके को भी तलवार बनाता। बोल। अरे सुनने मरने चाहिए तक तक करना, चबा चबा कर बातें करना, कान करना, एड़ी करना, गिरगिट जैसे रंग बदलना, करते तरसम की तरफ में टेढ़ी तरती चाल, घाट घाट का पानी पीना, कानो कान करना होगा। चुप करा के मैं क्या करूंगी यार। रोशनी आ जा, नंबर दिला दे। देखिए हमने इतने सारे एपिसोड्स आपको यहाँ पर हंसाया, आपको यहाँ एंटरटेन किया, बदले में हमें क्या मिला है कि नहीं? लेकिन आज बदले में हम आपको कुछ देना चाहते हैं, जो चूंकि आपने हमें फाइनल्स तक आने का मौका दिया है, आज जजमेंट थोड़ी हमारी तरफ से। आइए बैठ। ओहो अर्चना जी, आपका ये कैरेक्टर हम बहुत बार देख चुके हैं। सही है, आपका ये माइंड ब्लोइंग वाला पॉइंट तो पक गए, बहुत ही यूनिक है। एक 5000 बार तो हम सुन चुके हैं एक एपिसोड में। रेपिटिशन, I mean 5-5 मिनट के एक्ट बिना कुछ खाए देखना और कमेंट्स करना, इट्स रियली कमेंडेबल। थैंक यू सोहेल जी, फैंटास्टिक डूड, फैंटास्टिक। आई मीन कम ऑन, यू आर द शेखर सुमन ऑफ हॉलीवुड मैन। आई मीन हिंदुस्तान में रहकर इतनी बेहतरीन हिंदी कैसे? और वो जो बीच बीच में आपका जो कैमोफ्लेज है ना, ये जब कुछ देखना नहीं होता तो आप कैसे? फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक। बट यस, एक चीज हम कहना चाहेंगे, जब तक के क्रिकेट है तब तक सचिन तेंदुलकर नाम है, जब तक बॉलीवुड है अमिताभ बच्चन का नाम है, और जब तक कॉमेडी सर्कस है सोहेल आप, अर्चना आप जानती है सुरेंद्र का ही नाम है। और हम कुछ अपनी तरफ से करना चाहेंगे, आपने आज हमें यहाँ फाइनल्स जिता के हम पे इतना बड़ा जो एहसान किया है उसके लिए दिस वन इज फॉर यू। ले ले हमारी तरफ से। चलिए अर्चना आप बताइए, इनके एक्ट में वाकई कितना वजन था? आपके एक्ट में बहुत वैरायटी थी, मतलब जिसको जितना चाहिए जो चाहिए वो था। एंड मंत्रा, फ्रॉम द टाइम यू वॉक्ड इन, द सुर ऑफ द एक्ट वाज फैबुलस, वेरी वेल डन। वाह वाह वाह, सहेल क्या कहिए आप? मंत्रा जो आपने आज कैरेक्टर प्ले किया है, आपको हक बनता है, आप हो जिन, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सुहेल भाई, इट वाज फैंटास्टिक। थैंक यू। तो क्योंकि आज ग्रैंड फिनाले है सोनू, तो स्कोर्स बताए नहीं जाएंगे, आप उन्हें सस्पेंस रखेंगे और लिखने के बाद उस बोल में डाल देंगे। जाने से पहले भाई, सोनू के मसल्स और एब्स और ये सब तो हमने फिल्म पे तो देखे ही हैं, लेकिन आज एक्चुअली उसका एक्चुअल टेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो हमारे शो का वजन है उसे उठाकर सोनू बताएंगे कि वाकई में उनके डोलों में कितनी ताकत है। इनको उठाने के बाद मुझे कौन उठाने वाला है? ऊपर वाला। कम ऑन सोनू, यू कैन डू इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स सोनू सूद। वाट लगाए सोनू सबके जी, ब्रिलियंट, ओ माय गॉड,
You did it! Woo! Achha, not fair, yeah, not fair. But now we have to do one thing. एक host ने एक contestant को उठाया, अभी दूसरा contestant अभी host को उठाया. She has to lift you up. Thank you. Woo! That's it, man. You're the man. Thank you. मेरा 40 episode की बड़ास निकल गई. Thank you very much. देवी और सज्जनों, अर्चना के प्यार और अर्चना की दुलार और इसी सोच और इसी विचार के साथ हम बुलाते हैं पंचदशी बिना मनी में हमारे अगले फाइनलिस्ट क्वैक 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 को. सोनू, तुम भी से शुरू हो गए. मैं सिर्फ यहाँ क्वैक क्वैक नहीं करती हूँ. मुझ में भी अदाएं हैं, रूप है, हुस्न है ना सोहेल? तो दिखाती क्यों नहीं? लेकिन सुहेल भाई, आप इस रूप का असली रूप देखना चाहेंगे? देखिए, प्लीज वेलकम आवर फैंटास्टिक फाइनलिस्ट श्वेता एज रोशनी एंड कपिल एज वेरियस कैरेक्टर्स. सबसे पहले हिनाले की सबको मुबारक बाद में मुबारकबाद देने के लिए बैठी रहती है. जैसे हमें हिनाले में इन्होंने पहुंचाया लिख लिख के. हमें पता है कैसे पहुंची है हिनाले में. ऑटो नहीं मिल रहा था, बस वाले का हाथ पकड़ के हाँ हुआ हाँ क्या. ओह माय गॉड, आज ग्रैंड फिनाले. मैं प्रॉम्प्टर लगा दूँ जिसको पढ़ पढ़ के रोशनी बोलती है. प्रॉम्प्टर लगा दूँ, रोशनी आ गई तो मेरे को डांटेगी. मेरा प्रॉम्प्टर, टेली प्रॉम्प्टर. रोशनी, हाय, प्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ. ये प्रॉम्प्टर वाला अभी तक आया नहीं. आपको पता है ना प्रॉम्प्टर क्या होता है? वो सामने टीवी होती है ना जिसमें सारा स्क्रिप्ट लिखा होता है, उसे पढ़ पढ़ के मैं अपनी लाइंस बोलती हूँ. प्रॉम्प्टर नहीं होगा तो मैं लाइंस कैसे बोलूंगी? प्रॉम्प्टर वाला कहाँ है? प्रॉम्प्टर हेलो कौन हो तुम? वो प्रॉम्प्टर वाले हगल लाल, उनका हेटा होटा हेटा. हगनलाल नहीं, गगनलाल. हाँ, वही. वो नहीं आएंगे आज. तुम प्रॉम्प्टर वाले हो? हाँ. तुम्हारी तो खुद की सीडी रुक कर चलती है. ये हगनलाल नहीं आज आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? उनको फिल्मों में एक्टिंग का काम मिल गया. गगनलाल को एक्टिंग का काम मिल गया? हाँ, वो ब्लाउज पहन के कंगना रनावत की पीठ वाले सीन करने. वो ब्लाउज पहन के कंगना रनावत बनते? क्या बकवास कर रहे हो? प्रॉम्प्टर लगाओ, मुझे हमारी स्क्रिप्ट पढ़नी है. हाँ, चलो लगाता हूँ. सुनो, हिनाले हिनाले के बाद रियो. हिनाले के क्या क्या बोला? अरे गुंगी, समझ में नहीं आता. फिनाले के बाद फ्री हो? फिनाले के बाद? हाँ हाँ, फ्री हूँ. बसो पहाड़ों पे घूमने चले. एक साल उधर ही रुकेंगे, वापस तीनों आएंगे. तीनों कौन? अब जुड़वा तो किसी किसी को होते हैं, तुम्हारे थोड़ी ना होएंगे. हकले? ये हकला सिर्फ हुबान से हूँ, हिमाग से नहीं. हकला नहीं बोलना, शादीशुदा है बड़ी तू. मुझे कैसी कैसी बातें करता है, मुझे समझता क्या है? देखो मैं शादीशुदा हूँ. तो सुनो, दुनिया में आज भी एक हिल है जो सिर्फ हमारे लिए हड़कता है. हिल हड़कता है? एक दिल है जो हमारे लिए धड़कता है. किसका? हमारा खुद का. Shut up! प्रॉम्प्टर लगाओ और स्क्रिप्ट डालो. लगाता हूँ प्रॉम्प्टर. क्या लगाना स्क्रिप्ट का? वही चार लोग
हाकुर की जगह हंतरा है और क्या दलेर मंदी की जगह होहेला है। ओह ये लगा दिया प्रॉम्प्टर। हाय मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम टू ग्रैंड फिनाले ऑफ कॉमेडी सर्कस का नया दौर। इस हवस भरी नजरों से मुझे ना देखो, मेरे गदरीले बदन में आग लग जाती है। ये क्या लगाया? हरी 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 ओ हल्ती से हरी गलती से कांति शाह की फिल्म का हर गिफ्ट डाल दिया। कांति शाह वेयर द गॉड इज फ्रॉम? कांति शाह की स्क्रिप्ट? ये कांति शाह कौन है? हंती शाह को नहीं जानती? हंती शाह और हिप्पल शाह दोनों में एक ही हरक है। दोनों में एक ही फर्क है, एक गुजरात का प्रोड्यूसर है, दूसरा रात का। ओ, तो कांति शाह गुजरात का है। ए, हिप्पल शाह गुजरात का है। दिमाग का हाई करके रख दिया। तूने मेरे दिमाग का हाई करके रख दिया। जा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए प्रॉम्प्टर, मैं खुद जा दिया। तेरे को कौन करता है? ये कॉमेडी सर्कस वालों ने भी कैसे कैसे लोग रख रखे हैं बताओ। इनके पास एक ही ढंग की लड़की है, वो है मैं। इतनी अच्छी एंकरिंग करती हूँ लेकिन फिर भी ये सोहेल ने ना कभी मुझे एक नंबर नहीं दिया, जबकि चार चार मोबाइल रखता है। चलिए मैं अपनी लाइंस कर लूँ लेकिन उसके पहले मेकअप। हाय मुझे मेकअप भी करना है, रेडी होना है। और मेरी मेकअप आर्टिस्ट कहाँ गई? पिंकी, पिंकी आ रही हूँ। पिंकी कहाँ चली जाती है ये? पिंकी, पिंकी एक तो काम पे आने का सीधा फोन बजना शुरू हो जाता है। हेलो, हाँ नन्नू के पापा, नन्नू सो गया? अच्छा अच्छा नन्नू के पापा एक सेकंड होल्ड करना, मेरे हस्बैंड का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जानू, बेबी सो गया? कुछ नहीं जानू, मम्मा से बात कर रही थी। अच्छा होल्ड करो, मम्मा का फोन आ रहा बीच में। नन्नू के पापा बोला ना फोन करती, आपको भी क्या कर रहे हो आप? नन्नू के पापा आप मेरी जान हो। क्या कहा? आपकी बीवी ऑस्ट्रेलिया घूमने गई है? आप रुको मैं आती हूँ, इधर स्विट्जरलैंड आना दिखाया आपको। अरे सुनो, हेलो होल्ड करो, डैडी का फोन आ रहा है। अरे बाबा मेरे बच्चे के डैडी का, एक सेकंड। हाँ जानू, कुछ नहीं जानू, मम्मा से बात कर रही थी। आपको तो पता है मम्मा कितना ख्याल रखती मेरा, उसको अभी भी लगता है मैं बच्ची हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। आपको तो पता है मेरे को सब पता है। हाँ चलो ठीक है जानू, फोन रखती, बाय। सोहेल सर, यू नो यू आर द व्हाट द हगिंग हीरो इन दिस इंडस्ट्री ना, यू आर ओनली माई फेवरेट। अच्छा लगा ना आपको? ये लाइन ही ऐसी किसी को बोलो बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं इधर रोशनी मैडम का मेकअप मैन हूँ, तो मैं उनका, हाँ शुरू से उन्हीं का मेकअप करती आई हूँ, तो मेकअप मैन बन गई है ड्रेसर से। अभी अच्छी लग रही है, आंखें बड़ी बड़ी लग रही है। और सुनो मैडम, सिर्फ ना आंखों पर ही ध्यान नहीं देने का, होठों पर भी ध्यान दो। लोग बातें करते ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। मेरे होठों के बारे में कौन बातें करता है? अरे वो मैं नहीं करती, सब जोड़ियां बातें करती हैं। और तो और ये सिद्धार्थ यादव है ना, खुद के होठ बयान ला रहा जैसे है। पता क्या बोलता है? कहता है रोशनी के होठ पता कैसे है? वो जो अंग्रेजी साइलेंट फिल्मों में काला हीरो आता ना, उससे भी बड़े बड़े होठ है इसके, ऐसे बोलता था। चल बकवास मत कर। हाँ। और मेरे बाल बना, पिछली हाँ। बार ना छोटी से छोटी बना दी है, इस बार ना बड़ी होनी चाहिए मेरी चोटी। हाँ, एक बड़ी चोटी बनानी चाहिए, टेंशन नहीं लेना, एकदम बड़ी चोटी बनाऊंगी मैं। तब तक मैं अपनी लाइंस करती हूं। ये शीशा पकड़ना जरा, एक सेकंड। देखा इधर, देखा ना बाबा। आप टेंशन मत करो, इस बार बहुत बड़ी चोटी बनाएंगी, ऐसी मतलब मजा आएगा आपको। तब तक मैं अपनी लाइंस करती हूं। वेलकम टू मैडम, अभी देखने का। देखो कैसी है अर्चना।
बहुत अच्छा। देखो। मैडम फोन आ रहा है, साहब का फोन है। हाँ तुम्हारे सर का फोन है, उनको बोलो मैं शॉर्ट में बिजी हूँ। एक सेकेंड। हेलो साहब, मैडम शॉर्ट में बिजी है। और हेलो, कितनी बार कहा मैडम के फोन पे मत किया करो। अरे बाबा तुम्हें कुछ नहीं कह रहेगी, मेरे को चोंच मारेगी वह तक। हाँ क्या? अरे अच्छा एक से रुको, गाल भी तो दिया। अच्छा ओके भाई, हाँ हो गया। पिंकी इतनी देर तक क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं, साहब पूछ रहे थे मैडम ने कुछ खाया कि नहीं। ओह हाउ स्वीट, तुमने क्या कहा? मैंने कहा अभी दो फंबल मारे ट्रैक्टर से, गालियां खाई है। मैडम आपके बाल चुप कर, हाँ मेरा मेकअप कर, काम में ध्यान दे। हाँ मैडम आपके बाल थोड़े डिसेंट बनाने का मेरे को इस बार, ऐसे बाल बनाऊंगी ना आपके कि दुनिया कहेगी रोशनी से ज्यादा हटके है ही कोई नहीं। और आपको बताया मैडम, दो नई चीजें एक मार्केट में आई है। हाँ। जैसे आप किधर मैडम, यू नो वन थिंग, आजकल ना छोटे छोटे बालों का रिवाज है, तो मैं अभी कोशिश करेगी आपको बेस्ट का बेस्ट देने का। तो एक बात बताओ ना मैडम, ये आज की शूटिंग पे अपना साहब भी आया क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम तो अंदर थी। आपने वो सुबह डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई थी ना, अभी नजर नहीं आ रही, उस हिसाब से। ये होठों को इतना खींचा मत कर, क्या करती हुई है साहब नजर। अभी एक बात बोलूं मैडम, ए मैडम सुनो, आप ना वो इस चोंच पे ना मैंगो फ्लेवर लिपस्टिक लगाया करो। छी एलएस, मैंगो फ्लेवर क्यों? अरे बाबा तेरे वाले को मैंगो फ्लेवर पसंद है, तू नहीं लगाती फिर इधर उधर मुंह मारता हो। बकवास बंद कर और मेरा ऐसा मेकअप कर, मुझे ऐसा लुक दे कि सब मुझे देखते रह जाएं। अच्छा अपना खुद का ना करूं मैं? तेरा मेकअप नहीं करूंगी मैं नहीं चाहती सोहेल मेरे अलावा किसी और को देखे। सोहेल तुझे देखेगा, अपनी शक्ल देखी है? ए हेलो, उसकी पीठ पे तीला और उसने जॉकी की बनियान पहनी, अंडरस्टैंड? सॉरी, सोहेल को बदनाम करती है। सोहेल जॉकी नहीं, डिक्सी पहनता है खाली। That's all, मिलोड, मेरे को यही बकवाना था इनके मुंह से। इनका कुछ है। That's all. निकल जा यहाँ से, मैं तेरे खून पी जाऊंगी। ए मैडम, मेरा खून पीने के बजाय ना थोड़ा जूस पिया कर। वो देख तेरे सच में बत्तख लगी ना, तेरे में खून है। ऐसी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोलती बॉडी बनाओ, खुद एक चिक्की ज्यादा खा लें, तीन दिन लूज मोशन ही रुकते इनके। अरे ये तेरा और निकुल गांडा का चल रहा है सब पता है मेरे को। बीच में जब ये बोलती है ना कि टेक्निकल प्रॉब्लम, एक मिनट के लिए जा रही हूँ, और निकुल गांडा बोलता है कैमरे से आवाज आ रही है, कोई कैमरा आवाज नहीं कर रहा होता है। ये सब इफेक्ट मैडम ही दे रही होती इधर। हाँ अभी मेरा मुंह मत खुला, बहुत खुल सकल, अभी वैन में यात्रा टचअप करूँ। खबरदार मेरे चेहरे को हाथ तक नहीं लगाना, चल यहाँ से। दो कौड़ी की मेकअप वाली, दो कौड़ी की किसको बोला तू रे? तेरे से बड़े बड़े बॉयफ्रेंड ने तेरे से बड़े बड़े महंगे मोबाइल रखती हूँ मैं, ये देख ऐसा सॉफ्टवेयर है ना इसमें टाइम पूछो ना तो लड़की बताती है, लड़की फिट करी इसमें। तू बोल इसमें, ए तू क्या बोलेगी? ए मैडम तेरे को बताती, इसको क्या पता, ये देख इतना महंगा मोबाइल रखा मैंने। अभी आप इसमें कोई टाइम पूछेगा ना कि व्हाट इज द टाइम, तो आगे से बताएगी, अंग्रेजी में पूछना पड़ेगा, पूछो व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम? 7:30। लड़की बोलेगी रोज रोज जज नहीं, कभी कभी बेवकूफ भी बनना चाहिए। और सुनो, मैं चाहे इस कंपटीशन में जीतूं ना जीतूं, लेकिन जीतू जी मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ तेरे से, ये बता हर बार आगरा नहीं होता है? वो अलग बात है, मैं इस बार आगरा जाके माथा टेकने वाली हूँ, क्योंकि इस सीजन में मेरा इतना फायदा करा है आगरा ने, जब भी एंड नहीं होता तो आगरा को सेट देती थी। और सुनो, मैं आगरा माथा टेकने जा रही हूँ, पीछे किसी को जीता मत देना, ओके? और जाते जाते एक सवाल तेरे से तो पूछूंगी, ये बता शेर खान हिट होएगी कि नहीं होएगी? पर शेर खान तो अभी बनी भी नहीं है। तो गोलमाल बनी थी जब उसकी तारीफ करते थे, खुश होता था ना डायरेक्टर? और जब बननी शुरू हो जाएगी तब कहाँ मिलेगा तेरे को? अभी अभी मस्का लगा, 10 ले ले, मैं तो कहती दफा कर, होएगी कि नहीं होएगी? हाय सोहेल, शेर खान हिट है, चला। बता दो
Shweta, you are fabulous. Thank you. You are fabulous as Roshni. Aur Kapil, mere bhai, aapka haq banta hai. Main sirf yehi kahunga. Aur mujhe aaj finale hai aur mujhe taajub hoga aur surprise hoga agar koi aur wo trophy le jaye. Are, thank you so much, Sohail bhai. And Archana, आप इनकी performance पे क्या रोशनी डालने वाली हैं? श्वेता ने जितनी रोशनी डाली है, बाबा रोशनी अब आपने होठों से ठप्पा मार दिया comedy circus के मंच पर. You did रोशनी fabulously, very well. और कपिल आपने तो grand हिलाले में हिला के रख दिया. इस सीजन में आपने कमाल और धमाल किया है एंड यू हैव डन अ फैबुलस जॉब विद श्वेता थ्रू आउट द सीजन एंड दिस इज द चेरी ऑन द आइसिंग. वेरी वेल, थैंक यू मैम. और आप इस चेरी के ऊपर थोड़ा शुगर ग्लेजिंग भी डाल दीजिए प्लीज. अपने अपने खुफिया स्कॉर्स उस बोल में डाल दीजिए. जोरदार थालियां हो जाए कपिल और श्वेता के लिए. मौसी जी, मर जाऊंगा, कुछ जाऊंगा, पहन जाऊंगा, लेकिन अर्चना के पास नहीं बैठूंगा. अभी इधर पुलिस कमिंग, अर्चना गोइंग जेल, जेल में अर्चना चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग. क्योंकि सोनू, अर्चना के बारे में कुछ मत कहना, क्योंकि ये हमारी प्यारी है. तुम्हें पता नहीं है बसंती, ये मौसी कितने जजेस को खा गई है, अभी सोहेल को खाना चाहती है. फिनाले खत्म भी नहीं हुआ और इसने अगले जजेस की ऑडिशन शुरू कर दी है. सच्ची? यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो. हाँ, और वैसे भी सोनू की दवाई का वक्त हो गया है. प्लीज वेलकम आवर अमेजिंग फाइनलिस्ट भारती एंड सिद्धार्थ. मौसी जी. ओ इज कम एज पा. ओ ओ पा. ओ ओ ये बिना विक्की अर्चना तेरी माँ होगी साले. अबे सालो ठीक से देखो, पा हूँ मैं, पा मारूंगी. अर्चना जी, अर्चना जी, नींबू पानी पियोगे? लो नीचे लो. किधर है मेरी माँ? कैसी लग रही सोहेल? सोहेल को सिर्फ भारती से मतलब है, वो चाहे टकली हो चाहे बालों वाली. अभी बैकस्टेज में खड़ी थी, मुझे पीछे से पकड़ लिया, मैंने कहा कहने लगे जा रे मन, भारती तू ही मेरा सच्चा प्यार है. मैंने कहा छोड़ो, क्यों मूड बना रहे हो, तुम तो सारा दिन रोशनी को देखते रहते हो. तो कहने लगा वो तो बस प्यार करती है मुझसे, उसने तो अपने प्यार में सिर्फ टांगे वैक्स करवाई है, तुमने तो पूरा सर वैक्स करवा लिया. अरे माँ, तुम भी आते आते किधर लाइन मारने लगी? माँ मेरे को बताओ ना, क्या? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? ओ मेरा बच्चा, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी क्यों होती बेटा. लेकिन लेकिन लोगों के घर में ना जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, हम माँ बेटे जुड़वा है. और इतने जुड़वा है सोहेल भाई कि मेरे पासपोर्ट पे मेरी माँ बैंकॉक घुमाई. कौन सी मसाज लेगा? क्यों नहीं मसाज लेगा कि थाई मसाज लेगा सर? माँ, बेटा मैं सर के फायदे बता रही हूँ. सोहेल जी, हम माँ बेटा के सर के इतने फायदे हैं ना, घर में माचिस ना हो, हम माँ बेटा सर रगड़ के आग निकाल लेते हैं. अच्छा माँ, माँ आज तो फिनाले है. हा? फिनाले जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टकलियों के इनके सामने खड़े हो गए और क्या करें? सोहेल जी, एक ही बेटा है, इसको ही देख देख के जीती हूँ. लेकिन सुनो, आज तक मैंने अपने बेटे को सर नहीं चढ़ाया. क्यों माँ? बेटा फिसल जाते हो तुम. देखो कह रहा छुपा छुपी खेल ली, चल मैं आंखें बंद करती हूँ, तू छुप जाके. ए, छुपा छुपी के लिए बात, चिपका चिपकी के लिए नहीं बोला. अभी फिनाले लास्ट ट्राई मार रहा था. अच्छा अच्छा, अभी मैं करता हूँ, तुम चुप. एक दो तीन. चलो ना सर, अरे पीछे आओ ना. अरे ये छुप रहा है, अरे पीछे आओ, मैं इसको फ्रिज में लगाती हूँ, फोड़ के पीना ठंडा होता है. आओ ना.
आगे बोलो। पहले कि सुहेल आ जाए, तुम आ जाओ सोनू, मैं चाहती हूँ मौका देख के चौका मार लो। ये नहीं आएगा, बैठ इधर, जाती हूँ मैं। आगे बोलो। करती है मालूम, मेरे को भी बड़ा बनके कुछ करना है। स्कूल के बाद मैं कुछ बड़ा बनूंगा, लेकिन मैं वो बनूंगा जो अनपढ़ लोग भी बनते। अनपढ़ लोग क्या बनते हैं बड़े होके? हाँ, मैं जज बनूंगा। सोहेल अंकल, मैं जज बनूंगा। मैं तो बेस्ट कैंडिडेट हूँ अर्चना मैम के बाजू में बैठने के लिए। पूछो क्यों? क्यों? उनका हा 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 और मेरा हू हू हू। आज कौन जीतेगा मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कौन बाहर जाएगा ये मेरे को मालूम है। बाहर जाने वाली जोड़ी कौन है मालूम है? रोशनी और सोहेल भाई। क्योंकि अगले सीजन में वो दोनों नहीं है। ए साले, तू भी नहीं है अगले में। क्या निकुल गांडा अंकल, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा किया ना तो आपके और अर्चना आंटी की वो गंदी वैनिटी वाली वान सबको बता दूंगा मैं। सोहेल अंकल, उस दिन ना गांडा अंकल और अर्चना आंटी वैनिटी में गए, और जैसे मैंने वैनिटी का दरवाजा खोला, सब कचरा पड़ा था वैनिटी में। केले के छिलके, बोतले, सब गंदी वैनिटी इनकी। बताया मैंने गंदी बात बताया। अरे हाँ, अरे हाँ यार, टैबी बोल रही हूँ तबस्सुम। अरे चैनल बोल रही हूँ मैं। अरे यार, हम लोगों को वैसे भी कुछ आता जाता नहीं, हम सिर्फ बोलते हैं। अरे क्या, अरे क्या, हम बस दिन में क्या करते हैं? 3-4 डब्बे सिगरेट के भूखते हैं, शो के ब्रेक में जाके बाहर टूटे से सोफे पे अर्चना के साथ 1.5-2 घंटे बातें करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग? और सुनो, कॉमेडी सर्कस अब उस लेवल का नहीं रहा, समझी? बहुत बड़ा लेवल हो गया है, इंटरनेशनल लेवल का बन गया है कॉमेडी सर्कस। और मुझे शो की ओपनिंग एकदम धमाकेदार चाहिए, समझी? मैं चाहती हूँ कि इस बार का शो ये स्टीवन बर्गलवर कौन है यार? हाँ, वो डायरेक्ट करे। अरे नहीं 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 नहीं, ये जेम्स कैमरून कौन है? बिल्कुल शो डायरेक्ट नहीं करेगा। इतनी बड़ी टाइटैनिक जिसने डुबा दी, वो मेरे शो का क्या करेगा? क्या शकीरा, जेनिफर लोपे क्या बोल रही है एंकर के लिए? इनको बोलो पहले इनकी टांगे चेक होगी। जिसकी ज्यादा सेक्सी टांग होगी उसी को एंकर बनाएंगे हम। नो नो, लेडी गागा नहीं लेंगे हम। एक लेडिया है ना हमारे पास, लेडी गागा नहीं। और वो ऑडियंस में मुझे एकदम फर्स्ट क्लास ऑडियंस चाहिए। ये पिछली बार ये शेखर, ये सतीश रा, ये हाँ, ये कोई ऑडियंस में नहीं चाहिए। साले एक तो ढंग से ताली नहीं बजाते, ऊपर से घर के लिए भी खाना ले जाते हैं। पता नहीं हमारे इंटरनेशनल लेवल का ये कॉमेडी सर्कस शो है, इसके लेवल का कोई मुझे जज मिल पाएगा कि नहीं? ए सोहेल भाई, अर्चना जी, मैं हूँ अवतार। यस, तार। अवतार क्यों? हाँ। तार पे आया ना। अच्छा अर्चना जी, पान खाओगे? नहीं। छोटा है? हाँ? जापान खाओगे? हाँ खाओ खाओ, भूख के मारे हमारा प्लेनेट जुपिटर ऑमलेट बना के खा लिया। फिर हम घूम रहे हैं ब्लू आंखों में खुदा बो। अरे रोशनी, अरे तेरे तो फैन है हमारे प्लेनेट पे बदक लोग। बोलते हम भी लिपस्टिक लगाएंगे, ओठों को, पंखों को वैक्स करेंगे और बनेंगे वैक वैक एंकर वैक वैक। अरे बदक के बाजू में कौन है? जीरा भाई क्या? छेदी लाल। अब पता चला सांस कहाँ से ले? और चलो उतार, मेरे को उतार, अबे उतार, मेरे को उतार, अबे उतार, उतार दिया, अभी जा उतार। ए, हमारे घर में कोई भंगार नहीं है, निकलो यहाँ से। अबे भंगार नहीं, मैं उतारू, मेरी फिल्म ने देखी अवतार, कम ऑन अटैक, वी वांट टू सेव इट, अटैक। अवतार खन
नीलू मशाय नीलू वेट यारे अबे वो मैं वो उतार नहीं हूँ यार अरे मैं एलियन हूँ एलियन दूसरे ग्रह से आया हूँ इधर क्या करने आया तू मैं इधर जज बनने आया हूँ जज जज यस मैं बनूंगा जज ये कुर्सी मेरे के स्टैंडिंग ओशन देते मैं स्लीपिंग ओशन दूंगा मैं वो तुम जज बनोगे हाँ मैं जज बनूंगा और कुछ आता है वो भी करके मैंने आता ना मैंने इनको देखा ना यूट्यूब पे इनके प्रोमोस देखे हमने ये ऐसे परफॉर्म होने के बाद ये जज बोलता है कि राजू ठाकुर यू आर सुपर्ब क्या हुआ इसी वजह से सोहेल खान अगले शो में नहीं है दस दस नंबर देने शुरू कर दिए थे ठाकुर को सच्ची में लेकिन तुम क्या जज बनोगे हाँ जी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अंधायु कदापि ना लिखा जाता यदि उसका लिखना ना लिखना असमंजस की बात होती इस कृति का पूरा जटिल जब मेरे मंत्र में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया थोड़ा सा डर भी लगा कि अभिशप्त भूमि पर मैं फिर से कदम नहीं रख पाऊंगा लेकिन एक नशा होता है अंधकार में गरजती हुई महासागर की गहराई को नापने का शेखर मैं अवतार अवतार अंधा यू कदापि ना लिखा जाता यदि उसका लिखना लिखना मेरे बस अरे ये तेरी शुद्ध हिंदी पूरा देश देख चुका है 300 की टीआरपी है मेरे इंटरनेशनल कॉमेडी सर्कस की मुझे कुछ नया चाहिए नया नया है ना एका काका अस्ति सा तुषिता भवति अत्र पश्यति न जलम तत्र पश्यति न जलम सा भ्रमति सा एकं घटं पश्यति किन्तु जलं स्वतः सा चिन्तयति किं करोमि भवतु एवं करोमि सा पाचन खंडान घटे चिपति जलम उदो आगच्छति सा पिबति अनन्तरं सा उड़यते शो में नहीं ले रहे गालियां निकाल रहा है अरे गालियां नहीं संस्कृत है ये अरे उसको हिंदी भी नहीं आती उसके लिए तो गालियां तुम्हारी तरह नहीं है वो समझे उनको सब पता है मैं गई थी चैनल की तरफ से उनकी वैनिटी में फिर माफी मांगने कि हम आपको अगले शो में नहीं ले रहे और बधाई देने कि आपने हमारे साथ इतना अच्छा सीजन किया तो कैसे बोले हाय तबस्सुम मेरे को पता है कि अगले सीजन में नहीं हूँ बट ऐसा कुछ भी नहीं मेरे साथ के मुझे फील हुआ कुछ नहीं एक्चुअली इसी शो की वजह से मेरी 3-4 फिल्में रुकी हुई थी अब फ्री हो गया हूँ घर में जाके डीवीडी ठीक करवाऊंगा अच्छी तरह से फिल्में चलेंगी और आराम से मैडम बस मतलब आई एम सॉरी गाइस आई एम सॉरी मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि तुम लोगों की तुम्हारी मुझे याद आएगी क्योंकि इतना बिजी है हम लोग ये छोटे मोटे शो से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सी भाई की फिल्में रहती हैं मेरी फिल्में रहती हैं उनको करना है तो सॉरी अगर मैं आप लोगों को याद ना करूं बट ये शो नंबर वन है इंडिया का और नंबर वन ही रहेगा इसमें कोई जज आए कोई ना आए ये नंबर वन ही रहेगा कपिल कृष्णा बाय यार ठाकुर बाय यार सिद्धार्थ मंत्रा छोड़ जाने दे यार बाय अर्चना बाय यार बाय निकाल दिया सालों ने निकाल दिया मेरे को कॉमेडी सर्कस से अरे एक ही बार गलती हुई थी क्या करूंगा घर बैठा बैठा और मुझे नहीं जाना घर जाके वही काम करो कुत्ते को घुमाने लेके जाओ पौधों को पानी दो बच्चों को स्कूल छोड़ के नहीं ये नहीं करना मुझे अभी फुल वापस बुला लो अभी भी इधर हूँ सेट से बाहर निकल बुला लो वापस मेरी हकीकत भी सामने आ गई मुझे पता है सालो तुम लोग भी मेरे जाने के बाद शेखर की तरह मेरी भी बेइज्जती करोगे
अभी कम कर रहे हो। बेस्टी का गम नहीं है, काम चाहिए काम। What the hell? Chill, just chill. What the hell? ये क्या कर रहा हूँ मैं? Just chill, just chill. Sword दादा एक glass पानी देना. चलो वे चल. अरे ऐसे क्यों बात करे? 3 महीने मैंने तेरे को चाय पिलाई है. यार जज हूँ मैं. नहीं था. मेरे को रख लो वापिस. रख लो. देखिए ये हमारा एक्ट है. हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते. हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं हमारे कॉमेडी सर्कस के सारे जजेस को, जो मैं और पूरी दुनिया मानती कि दुनिया में सबसे बेस्ट जजेस कॉमेडी सर्कस के जजेस हैं. और मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम थोड़ी बहुत ही यहाँ पे कॉमेडी करते हैं, किसी को फील होता है, किसी को थोड़ा हर्ट होता है, तो जो चाहे उखाड़ना है उखाड़ लो. सच में जो चाहे उखाड़ना है उखाड़ लो. तुम्हारे माँ की आँख. अर्चना कितना दुख रहा है आपका पेट जरा बताइए हमें. अमेजिंग. सिद्धार्थ आपने साबित कर दिया है कि जितना हम समझते थे तुम्हें टैलेंटेड, उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड तुम हो, कहीं ज्यादा. एंड भारती व्हाट डू वी से अबाउट यू? अगेन एंड अगेन हर सीजन में आप कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिससे अगेन आप ये साबित कर देती हैं दैट यू आर द क्वीन ऑफ कॉमेडी. थैंक यू सो मच. यू आर फैबुलस. एंड टुडे एज सोहेल यू डिड अ ब्रिलियंट जॉब. ब्रिलियंट. तो चाहे आपने मुझे बहुत कोसा कि कितनी बार मैं माइंड ब्लोइंग 5000 बार, लेकिन एक और बार तो बोलना ही पड़ेगा, माइंड ब्लोइंग. सोहेल भाई कैसा लगा अपना रूप देखकर? भारती मैं ये समझता था कि आप बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप फ्यूचर भी देख सकती हो. अब से 1 घंटे के बाद ये मेरी हाल होने वाली है. सिद्धार्थ मैं सिर्फ एक एक बात कहूँगा, दैट दे शुड मेक यू द एम्बेसडर ऑफ कॉमेडी एंड सर्कस. दोनों जो टर्म्स है कॉमेडी सर्कस गो apt where you're concerned. Thank you sir, thank you. Please अपने scores, खुफिया scores उस बोल में डाल दीजिए. I want to make a correction, सिर्फ हमारे हाथों में ही नहीं है, आज तो हमारे scores जोड़ दिए जाएंगे audience scores के साथ, तो आज audience जो कहेगी उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ होगा in deciding who's going to be the winner, लेकिन फिलहाल हमारे scores लिख ही देते हैं. भारती सिद्धार्थ आप आज के विजेता रहेंगे या नहीं आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा. फिलहाल प्लीज गो टेक योर सीट. जी साला इन सब फाइनल्स की परफॉर्मेंस देखकर आज मुझे भी इनको कुछ देने की इच्छा हो रही है. क्या? अरे एक ग्रैंड सैल्यूट. क्या बात क्या बात कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा. नहीं पता नहीं आज क्यों मेरा भी एक परफॉर्मेंस देने की इच्छा हो रही है. लेकिन तुम कॉमेडी कर पाओगे? कोई शक नहीं. नहीं कोई शक नहीं है. ऐसे करो तुम बैक से जाओ और अपने एक्ट की तैयारी करो और हम आपका इंतजार करते हैं. म्यूजिक. अच्छा हुआ चला गया.
इसके कारण मेरे जॉब को खतरा हो गया था। इसे अब पता चलेगा कि यहाँ काम मिलना कितना मुश्किल है। प्लीज वेलकम सुचेता खन्ना एंड सोनू एज वेरियस कैरेक्टर। तुम दोनों में से अर्चना कौन है? बाहर तो कह रहे थे अर्चना कोई लेडीज है। वैसे मैं अपनी प्रोड्यूसर से बहुत नाराज हूँ, अरे सारी इमेज का सत्यानाश कर दिया है। जहाँ जाती हूँ मुझे पहचानने लग गए सब लोग। ये क्या है? तूने बोला था ना नाक मुका दे दिया नाक मुका। तो नाराज हूँ मैं तेरे से। क्यों? हिट होना अच्छा नहीं लगता? मुझसे बोला था इस फिल्म से तुझे शबाना आजमी के लेवल से भी ऊंचा लेकर जाऊंगी। अरे आजमी के लेवल से भी नीचे ले गई है। अरे क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहां से उठाकर क्या क्या उतार कर कहां पहुंचा दिया? सब मालूम है। अरे स्टडी रूम की शेल्फ उठाकर बाथरूम की शेल्फ में पहुंचा दिया है। मुझे कहते थे कि फिल्में तीन कारणों से हिट होती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हां शानदार डायलॉग लिखे थे भैया। टच तो सभी ने किया लेकिन छुआ किसी ने नहीं। उस डाले के बाद जब भी रोड पे निकलता हूँ सब टच करते हैं, सब छूते हैं। फॉर्म में आ गई हो इसलिए बातें बना रही हो। हाँ पता है लोग मुझसे क्या पूछते हैं? पूछते हैं कि तुमने बुजुर्गों के साथ फिल्म क्यों बनाई। मैंने कहा नसीर के साथ। कहते हैं नहीं विद्या के साथ। मेरी इतनी भी उम्र नहीं हुई। लोगों से पूछो कहते हैं विद्या रेस्ट करने की उम्र में अपना बेस्ट दे रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं मर रही हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए? तुमसे भी बड़े प्रोड्यूसर कांति शाह के पास जा रही हूँ। नाक मुक्का। मैंने अपनी फिल्म की हीरोइन तो फाइनल कर दी, बस अब हीरो की तलाश है। हीरो अर्चना। नहीं सोहेल, नहीं आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरी फिल्म में बेड होते कुर्सियां नहीं। मैं अपनी अगली फिल्म में एक सुपर 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 स्टार को लेने वाली हूँ। ऑटोग्राफ प्लीज। मैं कौन नहीं हूँ? तो तू कौन? पहचान कौन? रावण डोंटो कमीनो। सारे मजा करते मेरी रावण के बारे में बातें करते हुए। मुझे पता कि तुम लोगों में से किसी ने पिक्चर नहीं देखी क्योंकि इनका टिकट ही नहीं मिली। एक मिनट। और तू क्या? रावण के बारे में ऐसे हंसती है ना तू? मैं उस दिन अगर DDLJ में काजोल की शादी परमीत के साथ होगी होती ना तो अजय देवन के साथ कैसी लगती तू? आपको मेरे साथ फिल्म करनी है तो आगे बोलो। चलो कोई डायलॉग बोल के सुनाओ। चिन्नप्पा। इसका क्या मतलब है? कि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें यार। ओह माय गॉड, किंग खान के अवतार में सलमान खान के डायलॉग बोल रहे हो? तुम हो कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं मैडम, मैं हूँ सोनू सूद। आपने मेरी फिल्म देखी होगी ढूंढते रह जाओगे। हाँ मालूम है। वही फिल्म ना जिसके रिलीज के दौरान आप सब लोग ऑडियंस को ढूंढते रह गए थे। ये बताओ कि तुम्हें डांस आता है? अरे मैडम सीधा बोलो ना कि एक्ट खत्म करके डांस करना है। म्यूजिक। की शानदार शाम है सजी। अब चुना जाएगा इंडियन कॉमेडी के नए दौर के विजेता को। जजेस के सारे स्कोर्स कैलकुलेट हो चुके हैं, उसमें ऑडियंस स्कोर्स भी जुड़ चुके हैं, उसमें सेमीफाइनल्स के स्कोर्स भी जुड़ चुके हैं। और अब मैं चारों जोड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज आके मुझे स्टेज पे ज्वाइन करें। गिव देम अ बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज। अर्चना प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए हमारी फैबुलस जूरी के लिए। हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर सतीश राव को जो है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोहिनूर स्पेशलिटी फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मिस्टर राव, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू आवर फाइनलिस्ट? एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ कोहिनूर हम सोनी टीवी के और कॉमेडी सर्कस के सभी स्टार्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं। एंड एज यू आर अवेयर आफ्टर ए टायरिंग डे ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू कम बैक होम एंड रिलैक्स एंड हैव सम डोज ऑफ लाफ्टर एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर कॉमेडी सर्कस इज ए ट्रू स्ट्रेस बस्टर एंड ब्रिंग्स दो स्माइल ऑन योर फेसेस एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई कोहिनूर एनकरेजेस
this particular show, and that's exactly the mission of Kohinoor too, that it brings the smile when you have a delicious meal cooked by Kohinoor Basmati rice. So congratulations once again. And now, Kohinoor the True Basmati presents Comedy Circus ka Naya Daur Tabla Tod ke fourth position par. Aaj jo jodi hai, uska naam hai the Laurel and Hardy of Comedy Circus, Mantra and Vishaka. वो घड़ी आ गई है जिसका 20 हफ्तों से हम इंतजार कर रहे हैं. The winner of Kohinoor the True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर तबला तोड़ है. The winner of Comedy Circus का नया दौर तबला तोड़ है कपिल एंड श्वेता. Congratulations! रनर-अप जोड़ी, तो हम आपको बता देते हैं कि पूरे स्कोर्स को मिलाकर सेकंड पोजीशन पर टाई हो गया है भारती सिद्धार्थ और कृष्णा सुदेश के बीच में. क्रिसमस पार्टी हो गई, नया दौर खत्म हुआ और अब अगला हफ्ता आएगा नया साल और नए साल का स्वागत पूरा देश करेगा हंसते हुए. 2011 की हाइलाइट्स और 2012 का प्रीव्यू होगा 3 घंटे नॉनस्टॉप लाफ्टर के साथ. Only on Comedy Circus, New Year Party. Bye bye and good.